गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी अभी जस्ट पूजा ख़त्म हुई है और अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ। वैसे तो दिन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, मॉर्निंग में मैं उठ जाती हूँ 5:30 और उसके बाद से फिर नॉन स्टॉप घर के काम जो सभी लोग करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग यही फॉलो करते होंगे। तो मॉर्निंग में रहते हैं बच्चों का टिफ़िन बनाना और लंच तैयार करना, ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं फिर चली जाती हूँ अपनी एरोबिक क्लास और वहाँ से आती हूँ मैं 1 से 1.5 घंटे बाद, और वहाँ से आने के बाद मैं आजकल तुरंत शावर लेती हूँ, बिल्कुल भी लेट नहीं करती क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है कि आप घर पर आकर ऐसे नहीं रह सकते कि बैठ जाओ पहले ब्रेकफास्ट करो फिर नहाओ, ऐसा नहीं होता पॉसिबल। आते ही सबसे पहले शावर लेती हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ। जबकि विंटर में मैं क्या कर रही थी, जब थोड़ा ठंडा था मैं तब ये कर रही थी कि मैं एरोबिक क्लास से लौटने के बाद पहले अपना ब्रेकफास्ट बनाती थी और फिर शावर लेने जाती थी और बाकी के काम बाद में करती थी। लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि यार इतनी गर्मी में इतनी सारी स्वेटिंग हो जाती है कि आप 2 मिनट भी खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो नहाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं नहाने जाती हूँ और फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ। आप लोग भी ले लीजिए, ठंडी ठंडी लस्सी पी रही हूँ। तो गर्मियों में तो लस्सी, मिल्क शेक और मैंगो शेक तो हमारे इंस्ट्रक्टर ने अवॉइड किया हुआ है, लेकिन मैंगो स्मूदीज़ बनाकर पी सकते हो। उसमें आपको क्या करना होता है, मैंगो स्मूदीज़ की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ मैंगो स्मूदी की रेसिपी शेयर करूँगी। शेक्स तो आप लोग पीते ही रहते होंगे लेकिन मैंगो स्मूदी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो आप लोग बताना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये लस्सी ख़त्म करने के बाद करूँगी घर की डस्टिंग और साथ में बनने रखूँगी लंच। लंच में आज बनाने वाली हूँ सांभर, बनाने का दिल कर रहा है। थोड़ी थोड़ी ना वेजिटेबल्स बच गई हैं तो उनको मैं यूज़ कर लेती हूँ, यही या तो आप उसे सांभर में यूज़ कर सकते हो जब थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स बच जाती हैं, या मिक्स वेज बना लो या फिर पाव भाजी की भाजी बना लो, तो इस तरीके से काम आ जाती हैं थोड़ी थोड़ी जब वेजिटेबल्स बच जाती हैं। तो मेरा मन कर रहा है कि आज मैं सांभर बनाती हूँ। तो यहाँ पर इतने सारे बर्तन देख रहे हैं ना, तो आंटी तो बर्तन क्लीन करके चली गई हैं, झाड़ू पोछा घर में हो गया है, लेकिन मैं खाना तब तक बनाना शुरुआत नहीं करती जब तक मैं अपना स्लैब को पूरा अच्छे से अपने हाथों से साफ ना कर लूँ। तो सबसे पहले मैं खाना बनाने से पहले ये स्लैब एक बार क्लीन करती हूँ और फिर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अगर खाने का कुछ भी स्लैब पर गिर जाता है तो मुझे अनहाइजेनिक नहीं लगता, फिर मैं आराम से उसे यूज कर सकती हूँ अगर मैंने साफ किया हुआ है तो। यहाँ पर मेरे पास है काशी फल और लौकी, दो चीज़ें हैं मेरे पास जिन्हें मैंने काट कर ऑलरेडी स्टोर कर लिया था। वन टाइम ऑलरेडी इनकी सब्जियाँ ही बना चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा जो बच गया था वो मैंने सांभर के लिए निकाल के रख दी सब्जियाँ, और अब इसमें मैं 1 या 2 आलू भी डालने की सोच रही हूँ क्योंकि ये सब्जी तो कम लग रही है थोड़ी। मुझे ना ज़्यादा सब्जी वाली सांभर पसंद है, किसी किसी को लिक्विड वाली पसंद होती है, मुझे थोड़ी गाढ़ी पसंद है। तो इसमें 1 और 2 आलू डालूंगी और दाल के साथ इसे चढ़ा दूंगी। तो ये मेरी इंस्टेंट सांभर बनाने की रेसिपी, इसमें डालने वाली हूँ 1 टमाटो, 1 अनियन चॉप कर लिए, यहाँ पर मैंने काशीफल ले लिया, लौकी ले लिया और आलू भी ले लिए, और यहाँ पर मैंने दाल ले लिए। अब मैं क्या करूँगी, इन सबको इसी के अंदर डालने वाली हूँ कुकर में और विसल लगाऊंगी, फिर हल्दी डाल दूंगी इसमें, थोड़ा नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा मिर्च, बहुत थोड़ा सा क्योंकि बाद में तड़का मैं यूज़ करने वाली हूँ ये सब चीज़ें। टमाटो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरा आज इमली डालने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि गला सबका ख़राब हो रहा है, तो सोच रही हूँ कि कम खट्टा बनाती हूँ सांभर को। कोई तो बोल रहा था कि मेरे किचन के जो बॉक्सेस हैं वो बहुत गंदे हो गए हैं, मुझे चेंज कर लेने चाहिए। हाँ, मुझे भी फील हो रहा है क्योंकि पुराने हो चुके हैं, काफ़ी पुराने हैं एक्चुअली, और बीच में मैं इंडिया में ही छोड़कर चली गई थी। मेरे पास जो भी सामान था वो मैंने सब पैक कराकर मूवर्स पैकर से सब पैक कराकर अपने पापा के पास छोड़ दिया था। तो पापा के पास एक ऊपर एक रूम है जिसमें मेरे घर का
बहुत सारा सामान मैंने वहाँ पर छोड़ दिया था, तो जब मैं लौट कर आई मैंने वही सामान रीयूज कर लिया, मतलब किचन का ही किया है। बाकी पूरे घर में जो भी सामान है वो सब नया है, लेकिन किचन में जैसे ये बॉक्सेस हो गए और मेरे जो बर्तन है ये मैंने, ये पुराने थे हैं जो मैंने अब यूज कर रही हूँ। और जो मेरी क्रॉकरी है वो भी बहुत पुरानी है, मेरी शादी के टाइम की ये क्रॉकरी है जो मैं आप वीडियो में मुझे यूज करते हुए देखते हो, ये बॉक्सेस, ये मसालदानी, ये डिब्बे, कुकर वगैरह, ये सब चीजें मेरी पुरानी है। तो किचन में से ज्यादातर जो सामान देखते हो ना आप, वो उसमें से 70% ओल्ड है और 30% नया भी है। जैसे ये माइक्रोवेव और ओवन की बात करूँ तो ये दोनों ओल्ड है, और जो मैंने ग्रिल खरीदा है जो स्क्वायर शेप में है जो मैं हमेशा यूज करती रहती हूँ अपनी वीडियोस में, वो नया है। मिक्सी मैंने नई परचेज करी है यहाँ पर आने के बाद, पुरानी मिक्सी खराब हो गई थी। तो बाकी जो घर का पूरा सामान है, जैसे बेड हो गए हमारे घर में, सोफा हो गया, डाइनिंग टेबल हो गई, मेरी ड्रेसिंग टेबल वगैरह, ये सारी चीजें मैंने नई खरीदी थी। लेकिन किचन का जो सामान है जैसे कि ये स्टील वगैरह के बर्तन है, ये कहाँ खराब होते हैं, चाहे आप इन्हें कितना भी यूज कर लो फिर से रीयूज कर सकते हो, ये तो खराब होते नहीं है। और सेकेंड रीजन, मैंने अभी अपने बॉक्सेस क्यों नहीं चेंज करे, उसके पीछे जो मेन रीजन है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो मेन रीजन ये है कि जब तक मैं अपनी किचन को मॉड्यूलर किचन में कन्वर्ट नहीं करा लूंगी ना, तब तक मैं वो बॉक्सेस नए वाले नहीं खरीदना चाहती। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अपनी किचन को मॉड्यूलर किचन में बनवाऊँ, देन उसके स्पेस के अकॉर्डिंग मैं अपने जो बॉक्सेस हैं किचन के वो चेंज करूँ, और फिर एक रौनक भी आएगी, नई किचन, नए बॉक्सेस, तो मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा, घर वालों को भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा जब इतना सारा चेंज आप मेरे किचन में देखोगे। तो इसी वजह से मैं अभी ये बॉक्सेस वगैरह नहीं चेंज कर रही हूँ, अभी ओल्ड वाले ही यूज करने वाली हूँ। तो सांभर तो मैंने वहाँ पर बनने रख दिए हैं, और इसमें कम से कम मैं लेने वाली हूँ 7 से 8 विसल्स, जिससे कि सब्जियाँ और दाल अच्छे से पक जाए। तो मॉर्निंग में क्लास जाने से पहले मैं लगा कर गई थी वॉशिंग मशीन में कपड़े, जो कि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जाने से पहले कपड़े लगा जाती हूँ और जब मैं लौट कर आती हूँ तो सारे कपड़े वॉश हो जाते हैं, तो मैं अपना टाइम इस तरीके से सेव कर लेती हूँ। कुछ काम मैं ऐसे ही करती हूँ घर में, और मेरे घर में ना डेली, लगभग डेली लॉन्ड्री होती है, पता नहीं क्यों, समर में तो वैसे हर किसी के घर में होती है। मुझे ना बहुत सारे कपड़े एक साथ बल्क में इकट्ठे करना पसंद नहीं है, फिर उसे एक वीक में एक बार लगाकर पूरा दिन बस मशीन चले जा रही है और कपड़े धुले जा रहे हैं, वो करना पसंद नहीं है। मुझे पसंद है कि मैं डेली लॉन्ड्री करूँ, जिससे कि मेरे पास वीकेंड में ज़्यादा बर्डन ना हो। इनफैक्ट मैं क्या करती हूँ, मैं संडे के दिन लॉन्ड्री करना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि यार एक ही तो संडे होता है जो कि फैमिली के साथ आप स्पेंड कर सकते हो, और उसे भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने में मुझे वेस्ट नहीं करना। देख रहे हैं आप कितनी गर्मी पड़ने लगी है, कितनी तेज सनलाइट निकली हुई है, धूप गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एक दो दिन पहले बारिश हो गई थी अचानक से, हालांकि मानसून आया नहीं है, मानसून तो जून 8 और 10 के बाद आने वाला है, लेकिन वो अचानक से जो बारिश हुई थी उसने खूब मज़े दिला दिए हम लोगों को, हम लोगों ने खूब मज़े ले लिए गर्मियों में, सर्दियों का आनंद ले लिया, क्योंकि बहुत ठंडा रहा था, दो दिन लगातार ठंडा रहा है, क्योंकि ओले भी गिर गए थे तो उसकी वजह से 2 दिन ठंडक बनी रही। लेकिन आज फिर से धूप हो गई है, बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी है। तो ये जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने ऐसे हैं कि आपको काटने बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं, बस ये 3 मंथ्स ओनली, उसके बाद तो फिर ठंडा ही ठंडा है। सेप्टेम्बर से मौसम चेंज होने लगेगा और धीरे धीरे फिर ठंडक आ जाएगी, लेकिन ये 3 महीने काटने थोड़े मुश्किल हैं, ख़ासतौर से जो दिल्ली में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं,
और जो भी मतलब इधर के आसपास जो एरिया है उधर की तरफ जो रहते हैं लोग उनके लिए सच में हॉट हॉट है। तो सांभर तो यहाँ पर रेडी हो ही रही है, साथ में मैं इडली की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ सूजी की इडली। और उसके लिए हमें चाहिए, ये कुकर बहुत सीटी मार रहा है आप लोगों को देखकर, क्या बात है। तो सूजी चाहिए, मैंने यहाँ पे 2 कप सूजी लेने वाली हूँ और सूजी की इडली जो होती है वो 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। उनमें ज़्यादा आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, एक रात पहले सोचना नहीं पड़ता कि दाल भिगो चावल भिगो एंड देन अगले दिन पीसो और ये सारे ताम झाम करने के बाद फिर आप इडली प्रिपेयर करो। तो सबसे ईजीएस्ट वे है सूजी की इडली बनाओ और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, हल्की होती है और जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाती है। आज मैं सूजी की इडली बनाने वाली हूँ बिल्कुल सिंपल प्लेन तरीके से, ना कोई इसमें तड़का जाएगा। एक बार मैंने आप लोगों के साथ सूजी की इडली की रेसिपी शेयर करी है जिसमें मैंने तड़का वगैरह सब लगाया था, कड़ी पत्ता और आपके सरसों और रई का तड़का वगैरह, मिर्च वगैरह का सबका तड़का था उसमें। लेकिन आज जो मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल है, बस सूजी ली है उसमें मैंने सॉल्ट डाला है और अब डालने वाली हूँ दही। तो जैसे 2 कप सूजी है तो उसमें 1 कप दही डालूंगी और उसको 10 मिनट के लिए साइड में छोड़ देना है जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए सूजी। अभी तो बस मिक्सिंग का काम करेंगे, बाद में चेक करेंगे कंसिस्टेंसी वगैरह कि कितनी रखनी है, कितनी लिक्विडी रखनी है। अभी फिलहाल बस इतना ही करना है कि इनको मिक्स करके मैं साइड में रखने वाली हूँ, थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। तो सूजी नमक और दही तीनों चीज़ें मिली हुई हैं इसमें और अब बस इसको चला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है हर चीज़ को। तो जब तक हमारी इडली का जो बैटर है वो सेट हो रहा है तब तक क्लीनिंग कर लेते हैं, घर को कुछ देख लेते हैं, थोड़ा घर भी सुधार लें वरना घर ऐसे ही लगता रहेगा पूरे दिन। तो चलिए करते हैं। लेकिन घर के काम तो किसी गिनती में ही नहीं आते हैं और कभी भी हस्बैंड उठाकर बोल देते हैं कि तुम करती क्या हो, पूरा दिन तो बस यही तो करना है, बस खाना बनाना है और तो कोई काम है नहीं, खाना बनाना ही बस नहीं होता, उसके आगे पीछे जो हम काम करते हैं वो दिखते ही नहीं है, वो तो किसी को नज़र भी नहीं आते। पूरा दिन करती क्या हो,
सिर्फ एक लाइन ये बोल देते हैं और उसके बाद जो गुस्सा आता है, आई एम श्योर आपको भी आता होगा अगर आपके हस्बैंड बोल दें कि यार तुम पूरे दिन करती क्या हो, बस घर में ही तो रहती हो, उतना भी नहीं कर सकती, तो बस फिर आता है राजी, फिर लगता है यार क्या करते हैं हम, एक दिन घर छोड़ के चले जाते हैं पता चल जाएगा क्या करते हैं हम, और साथ में छोड़ कर जाते हैं अपने बच्चे भी, जिससे कि तुम संभालो और पता करो कि करते क्या है हम। किसी ने तो लिखा था मेरे वीडियो पर कि प्लीज बुरा मत मानना, आप इतने स्वीट हो, इतने प्यार से रहते हो, इतने प्यार से बातें करते हो, क्या कभी आपको गुस्सा नहीं आता? आता है यार, मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन कुछ ऐसी बातों से गुस्सा आता है कि जब कोई मुझे बोल दे कि तुम पूरे दिन करती क्या हो, या कोई मुझे बोल दे तुमने सुबह से किया ही क्या है, बस उसके बाद तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है, मुझे लगता है यार मेरे काम किसी गिनती में आते भी है या नहीं आते। अब आप लोग बोलेंगे कि प्रशांत घर पे नहीं है तो रीमा प्रशांत की बुराई करने लगी, मैं कोई प्रशांत की बुराइयां नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है हम लेडीज़ के बारे में कि हम पूरे दिन करते क्या, हम घर पर ही तो रहते हैं, क्या करते हैं हम पूरे दिन, ये सारे सवाल उनके दिमाग में, जब भी कोई छोटी सी भी बात हो जाए या हम कहते हैं आज हमने बहुत काम कर लिया, आज बहुत थक गए, कभी कभी समझ भी जाते हैं और कभी कभी ये भी बोल देते हैं, तो उनके मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन यही एक बात है जो मुझे तो बहुत चुभ जाती है, मुझे तो मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता, फिर मेरा हो जाता है मूड खराब। सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 11:30 और 12 बजे तक मैं कंटिन्यूसली काम करती हूँ और पूरा दिन मैं इस घर के लिए लगी रहती हूँ कि ये डस्टिंग कर लो, वो लंच बना दो, ब्रेकफास्ट बना दो, बच्चे का लंच बना दो, बच्चा घर पे आए तो उसको गर्मा गर्म खाना दे दो, हस्बैंड को दे दो, स्नैक्स बनाओ, क्या नहीं करते हम, कपड़े वॉश करो, कपड़े सुखाओ, फिर तय करो, ऐसे ढेरों काम है जो हम हाउसवाइफ्स करते हैं, बहुत बहुत सारे काम होते हैं, वर्किंग वुमेन्स भी करती हैं यार, उनको भी घर पर आकर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, मैं खाली हाउसवाइफ्स के लिए नहीं बोलूँगी, सभी लोगों के लिए, मतलब लेडीज़ के लिए तो सच में बहुत बहुत सारे काम हैं। ओके, डस्टिंग कम्प्लीट हो गई है, हैंड वॉश कर लिए हैं, आप ऐसा मत सोचना कि मैंने डस्टिंग वाले हाथों से खाना बनाने वाली हूँ, ऐसा नहीं है, अच्छे से हाथ वॉश करके आई हूँ और सांभर हमारी रेडी हो चुकी है। अब सांभर में लगाऊंगी मैं तड़का, क्योंकि मैं आज इमली का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ टमाटो, गार्लिक, अनियन और रेड चिली, और इधर मेरी जो इडली का बैटर था वो भी रेडी हो गया है, फूल गई है ना, बस अब इसमें पानी की थोड़ी कंसिस्टेंसी बढ़ानी होगी, और मेरी इडली का जो स्टैंड है उसमें भी मैंने ग्रीसिंग ऑलरेडी करके रख ली थी, तो अब जल्दी जल्दी बनाना है। मेरे पास इसका वो नहीं है यार, पर्टिकुलर वो नहीं होता स्टैंड जिसके अंदर आप बना सकते हो, तो मैं इतना बड़ा वाला भगोना यूज़ करती हूँ, उसमें पानी डालूंगी और जब पानी गर्म हो जाएगा थोड़ा सा तब इसको डालूंगी स्टैंड को।
नंबर एक ली। क्यों, मजा आया देख के? हाँ। खाकर मैं थोड़ा लेट गई थी और जब मैं सो गई, सोई तो नहीं हूँ बल्कि बस आँख लगाई थी और देखा बाहर तो क्या है, तो इतनी तेज बारिश होने लगी कि जल्दी जल्दी मुझे सारे कपड़े जो मैंने यहाँ सुखाए थे वो उतारे और यहाँ मैंने यहाँ रखे थे कपड़े कहाँ चले गए? घूम गए, तुमने अंदर रख दिए लग रहा है। तो मैंने सारे कपड़े जल्दी जल्दी उतारे क्योंकि इतने सारे कपड़े सुखाए थे आप लोगों के सामने। ओ माय गॉड, कितनी तेज हो रही है। कल मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई थी ना बारिश की क्लिप, आज देख लो आप लोग। और कल आप लोग बोल रहे थे कि मैंने बारिश तो दिखाई नहीं आप लोगों। दरवाजे भी बहुत जोर जोर से बज रहे हैं क्योंकि हवा बहुत तेज है और बारिश हो रही है और बहुत मजा आ रहा है। और ये मौसम हो गया है फिर से समोसे खाने का, लेकिन मैं रोज़ रोज़ समोसे खाकर अपना वेट नहीं बढ़ा सकती, तो आज मैं समोसे नहीं खाऊंगी, लेकिन बारिश के मज़े तो ले ही सकती हूँ ना। ओह माय गॉड, कितना प्यारा मौसम हो गया फिर से। मैं अभी डिज्नी चैनल देख रही हूँ। नाउ फॉर रोलिंग बैक। और बाहर बारिश हो रही है, मुझे बारिश देखना बहुत पसंद है क्योंकि ठंडा मौसम हो जाता है। मम्मी बहुत तेज लाइट ऑन नहीं कर दी आपने। तो कशिश देख रही है डिज्नी चैनल और बारिश के मजे ले रहे हैं हम लोग। इतना प्यारा प्यारा मौसम है कि बता नहीं सकती आपको, क्यों नहीं बता सकती, बता देती हूँ, बहुत ही प्यारा मौसम है। कितना मन लगा कर टीवी देख रही है। बेटा बहुत मन लगा कर टीवी देख रही हो, क्या देख रही हो ये? तो अभी इतनी झमाझम बारिश हुई थी और अब पता है क्या हुआ है, फिर से सनलाइट निकल आई। तो मौसम ये खेल खेल रहा है हमारे साथ। तो आज ना मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी थी, तो वो बात आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है और वो आप लोगों को बहुत काम में आने वाली है और बहुत सारे यूट्यूबर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है वो। तो मैं कुछ एक ऐसी कॉमन बात कर रही हूँ जो सब्सक्राइबर के लिए भी हेल्पफुल है और यूट्यूबर्स के लिए भी। तो जब भी आप लोग मुझे कमेंट करते हो, तो जिस भी आईडी से आप लोग मुझे कमेंट करते हो, तो मैंने ये बात नोटिस करी है उस आईडी पर बहुत सारे लोगों की डीपी नहीं होती है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने आईडी पर अपनी डीपी लगा कर रखते हैं। अब ये चीज़ मैं आपसे क्यों कह रही हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल है और कैसे आप इसे रिलेट करोगे, मैं बताती हूँ कैसे। तो जब इतने सारे लोग बिना डीपी के अपने बिना डीपी के आईडी से अपने कमेंट करते हो, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हो और फिर उनका नाम याद रखना कि किस बंदे ने क्या बात करी है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसकी जगह पर आप एक छोटी सी पिक्चर लगा कर रखते हो ना, तो कनेक्शन ना तुरंत बनता है कि याद रहता है कि यार ये पिक्चर ना उस बंदी की है या उस बंदे की है और इस बंदी ने मुझे एक हफ्ते पहले ये कमेंट किया था और दो तीन दिन बाद ये कमेंट आया, हाँ ये ऐसे कमेंट करते हैं और ये हमारा इनसे ये कनेक्शन है, इनकी लाइफ में ये चल रहा है। और मतलब जो भी आप कमेंट करते हो ना, वो हर एक कमेंट रिलेट होता चला जाता है और वो आपकी मेमोरी में जाकर फिक्स हो जाता है। लेकिन जिन पर डीपी नहीं होती है, वो मैं यूं ही पढ़ती हूँ, मैं ही क्या, बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ ऐसा होता होगा क्योंकि वो इतने सारे ऐसे बिना डीपी के कमेंट्स होते हैं जिनको रिलेट करके बहुत मेमोरी में फिक्स करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, जब तक मतलब बहुत ही मुश्किल काम होता है, मैं जो सच है वो बता रही हूँ आपको। तो अगर आप चाहते हो ना कि किसी यूट्यूबर के आप फेवरेट बनना चाहते हो या फिर किसी यूट्यूबर के को आप बहुत पसंद करते हो और आप चाहते हो कि वो भी आपको सेम रिस्पांस दे, तो प्लीज़ आप अपने डीपी ज़रूर लगा लें अपने ईमेल आईडी पर, उससे देखना आपका कनेक्शन उस बंदे के साथ, पर्टिकुलर बंदे के साथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे। वो आप तो इसलिए कनेक्ट कर पा रहे हो क्योंकि आप उस बंदे को देख रहे हो तो आपको पता है, लेकिन जो बनाने, जैसे कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जहाँ पर मुझे इतने सारे कमेंट आते हैं, तो मैं आपको किस तरीके से रिलेट कर पाऊँ। तो मेरे लिए रिलेट करने का जो जरिया होता है वो होता है आपका डीपी, चाहे उस डीपी में आपका कोई भी फोटो लगा हो, लेकिन वो फोटो मुझे हमेशा एहसास दिलाता है कि आप मुझे इस कमेंट करते हो, तो हमारा जो कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा अच्छा होता चला जाता है। यही था जो मुझे आपसे शेयर करना था, आई होप आप मेरी इस बात को समझ पाए होंगे।
तो अभी तो बारिश खत्म हो गई है और मौसम हो गया है चेंज, लेकिन कशिश फिर से ड्रिजलिंग होने लगी, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। तो गाइज अभी तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। और अगर आपको मेरा सजेशन समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए बाय बाय।